गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? वेलकम टू डिलीशियस किचन। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए, आपकी खिदमत में आ गई हूँ फिर से एक नई रेसिपी लेके, पाव भाजी की पिज्ज़ा स्टिक्स। जी हाँ, ये किसी भी तरीके से बन सकती है, पर मैं बना रही हूँ पाव वाली भाजी के साथ। जी हाँ, बहुत ही शानदार, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। लेकिन अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो विनती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सामने जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस जल्दी से देखने मिले। तो चलिए बनाते हैं हम पिज़्ज़ा स्टिक का बेस। उसके लिए हम सबसे पहले हमें चाहिए वार्म मिल्क, 1 कप गुनगुना कोसा सा मिल्क। उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच शुगर, 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं और उसके साथ ही हम 1/4 चम्मच डालेंगे ड्राई ईस्ट। ड्राई ईस्ट डालने के बाद हमने इसको मिला लेना है, ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं, हल्का सा घुमाइए और इसको किसी अंधेरी जगह पर ढक के रख दीजिए। 10 से 15 मिनट के लिए बहुत है। अगर आपकी ईस्ट बिल्कुल ठीक है, ईस्ट को आप हमेशा फ्रीज़र में रखिए तो ये ख़राब नहीं होती महीनों तक। तो अब हमने एक फूड प्रोसेसर ले लिया, तो इसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा। और मैदा आपने, अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो आप 1/4 कप लीजिए, 1/4 कप आप रख लीजिए। तो 1/2 चम्मच हमने इसमें डाल दिया सिनेमन पाउडर, दालचीनी पाउडर डाल दिया और इसमें हमने जो गेम चेंजर है वो है मिल्क पाउडर, ये ज़रूर डालिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो 2 टेबलस्पून हमने इसमें मिल्क पाउडर डाला, इसको स्किप मत कीजिएगा। और इसके साथ ही हम डालेंगे 4 चम्मच मेल्टेड बटर। अगर आप बटर नहीं खाते हैं तो कोई भी कुकिंग ऑयल चलेगा या ऑलिव ऑयल भी चल सकता है, आपके पास जो ऑयल है आप डाल सकते हैं। तो इसमें हमने डाल दिया है मेल्टेड बटर और अब हम लेके आ गए, देखिए जो हमने वो रखा था ना ईस्ट वाला, हाँ, तो वो देखिए कितना अच्छा हो गया है, फूल के बिल्कुल डबल हो गया, अच्छे से ऊपर आ गया है पूरे बबल्स। अब इसमें हम इसमें आधा डाल देंगे, पूरा नहीं डालेंगे तो कई बार क्या बहुत स्टिकी हो जाता है ये, तो हम देख देख के चेक करके डालेंगे। तो अब हम चला, अगर आप हाथ से इसको गूंद रहे हैं तो मसल मसल के गूंदिए और कम से कम 8 मिनट तो आपने इसको गूंदना ही है, क्योंकि जितना अच्छा गूंदेंगे आप फिंगर डाल के दबा के देखिएगा तो वो ऊपर आ जानी चाहिए बिल्कुल लाइट से, मतलब वापस बाउंस बैक होना चाहिए। तो हमने बचा हुआ थोड़ा सा और डाल दिया है और हम इसको, ये पूरा ही लग जाएगा तकरीबन, आप पूरा डल जाएगा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट है। ये देखिए मैंने पूरा डाल दिया है और इसको अब हम गूंद लेंगे अच्छे से। ये 2 से 3 मिनट के बाद तैयार हो चुका है और ये हमने रख दिया इस तरीके से। तो ये जो, अगर आपने इसका डो, जो जैसे मैं आपको बता रही थी कि ये बेसिक ब्रेड डो है, ये आपने मतलब मन में बिठा लीजिए कि आप कोई भी ब्रेड बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, उसके लिए बेसिक है ये, आपने सीख ही लेना हर चीज़ ब्रेड के लिए। तो ये याद कर लीजिए, ये जो रेशियो है ना इसी से बनाएंगे आप सारी ब्रेड्स। तो बस अब हम इसको बड़े बोल में शिफ्ट कर देते हैं और इसे शिफ्ट करने के बाद इसके ऊपर हल्का सा ऑयल डाल देते हैं या बटर डाल दीजिए और इसको लगा के आप इसको क्लिंग फिल्म से सील करके किसी अंधेरी जगह पे 1 से 2 घंटे, अगर गर्मी है तो 2 घंटे और अगर सर्दियाँ हैं तो थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, तो आप इसको रख दीजिए जब तक कि, और बीच में देख लीजिए कई बार ये 1 घंटे में भी डबल हो जाता है साइज़ में, तो ये टेम्परेचर के ऊपर है आपके। तो इसको हमने रख दिया, ये डबल साइज़ का हो गया था, हमने इसको पंच करके इसकी सारी हवा निकाल के अब हम इसको रोल करेंगे। तो थोड़ा सा आटा छिड़क दीजिए और उसमें आपने इसको बेल लेना है चकोर में, क्योंकि हमने इसकी स्टिक्स बनानी है। तो बहुत ज़्यादा साइज शेप का ध्यान ना रखिए, जितना मिलता है, बहुत पतला भी नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है हमने। और इस तरीके से आपने इसको बेल लेना है। आधे में हम सॉस लगाएंगे, ये मैं सेजवान सॉस या चिल्ली सॉस या पास्ता सॉस जो आपके पास है आप लगाइए। पाव भाजी स्टिक बना रहे हैं तो आप इसमें चटनी भी लगा सकते हैं, इंडियन टच अगर आपको और देना है तो। सॉस लगा दीजिए, थोड़ा सा टमाटो सॉस, केचप भी डाल दीजिए अगर आप डालना चाहें, ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। और इस तरीके से आपने, अगर आप कुछ भी नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें आप इस वक्त सिर्फ चीज़ डाल के भी इसको स्टिक्स बना सकते हैं। ये मेरी भाजी थी, मैंने परसों पाव भाजी बनाई थी तो मैंने थोड़ी सी भाजी फ्रीज़र में रख दी थी इसी के लिए। तो आपके कभी भाजी बच जाती तो आपको, आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस, या कोई भी भाजी बची हुई है तो उसमें आप पाव भाजी मसाला डालिए, मैश करिए, उसको लगा दीजिए और इसके ऊपर आपने मोज़रेला चीज़ डाल देनी है। मोज़रेला चीज़ मैं बहुत कम डाल रही हूँ, आप अगर बहुत चीज़ी फ्लेवर चाहते हैं तो थोड़ी मोज़रेला चीज़ ज़्यादा डाल दीजिए। मैंने मुश्किल से 2 चम्मच 3 चम्मच डाली है, आप चाहें तो बहुत सारी डाल सकते हैं तो बहुत चीज़ी सा फ्लेवर आएगा, पर मैं चाहती हूँ पाव भाजी स्टिक खा रहे हैं तो पाव भाजी का ही फ्लेवर आना चाहिए। तो बस अब आपने इसको हाफ में कट कर लेना है और जो साइड वाला पोर्शन है इसको इसके ऊपर ले आना है, इसको कवर कर देना, जैसे कि हम आलू के पराठे बनाते हैं ना जो ऊपर कवर कर देते हैं, उस तरीके से इसको कवर कर लेना है और साइड से दबा दीजिए इसको। इसमें हर चीज़ जो है वो गीली है, भाजी भी गीली है, सॉस भी गीला है, तो ये बाहर आएगा ही आएगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि बहुत मैसी सा लग रहा है, तो कोई बात नहीं, खाने में इतना टेस्टी, आप जब खाएंगे तब सब बराबर हो जाएगा। जी हाँ, तो इसकी आपने
थोड़ी सी मोटी मोटी सी स्टिक्स काट, दो दो इंच की, तीन तीन इंच की, आप अपने हिसाब से लंबा लंबा काट दीजिए। अब हमने क्या करना है, कोई चॉप स्टिक ले लीजिए या कोई स्टिक लेके इसको बीच सेंटर में से प्रेस करना है। इस तरीके से ज़ोर से प्रेस कर दीजिए। अगर आपका चिपक रहा है तो इसको थोड़ा सा मैदे में डिप करिए लकड़ी को, और फिर करिए, और फिर अपोजिट डायरेक्शन में रोल कर दीजिए। देखिए ये हमारी पिज़्ज़ा स्टिक्स तैयार हो रही हैं। इसी तरीके से बाकियों को भी आपने दबाना, अच्छे से दबाइए बीच में से। अगर आपका चिपकता है तो आप उसको आटे में रोल कर सकते हैं, और इस तरीके से अब आपने इसको रोल करना है। ये देखिए इस तरीके से अब उस वाले उस कोने को पकड़िए, उल्टे डायरेक्शन में लपेट दीजिए। पाज ही आपकी बाहर आएगी ही आएगी, थोड़ा सा गीला गीला लगेगा ही, लेकिन घबराइएगा नहीं, बनने के बाद सब बराबर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। जी हाँ, तो ये हमारी सारी स्टिक्स बन के तैयार हो चुकी हैं। देखिए भाजी कैसे बाहर निकल निकल के पिज्ज़ा की चीज़ सब बाहर आ रही है। इसको हमने प्री हीट अवन में 160 पे प्री हीट कर दिया था, उसमें दोनों ग्रिल हमने ऑन रखनी है 160 पे। ये तकरीबन 6 से 8 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। अगर वोल्टेज का ऊपर नीचे है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, आप ध्यान रखिएगा। और इसके ऊपर आपने एग अगर खाते तो एग वॉश लगा दीजिए, वरना आप मिल्क लगा दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए कितने कुरकुरे बन के तैयार हो चुके हैं हमारी पाव भाजी स्टिक्स, बहुत टेस्टी। यकीनन दिखने में जितनी खूबसूरत है, खाने में बेहद लाजवाब, कातिलाना। ऊपर से बटर लगा दीजिए, क्योंकि पाव भाजी में बटर ना हो ये कैसे हो सकता है जनाब। तो बस बटर लगाइए दिल खोल के इसके ऊपर, या अगर आप बटर नहीं खाते तो ऑलिव ऑयल लगा लीजिए। ये हमारी पाव भाजी स्टिक्स बनके तैयार हैं, कितनी गजब की लग रही हैं। इन्हें आप बनाइएगा ज़रूर, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि अगर आपने बनाई तो कैसी लगी। जब आप इसको खाएंगे ना तो पाव का टेस्ट, भाजी का टेस्ट, पिज्ज़ा का टेस्ट, सारे टेस्ट एक साथ निकलेंगे आपके। और ये देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी मिल्की सी ब्रेड है, पाव और भाजी, शानदार। अगर आप चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा चीज़ डालिए। तो कल मिलते हैं इसी जगह इसी वक्त एक नई रेसिपी के साथ, एक नई सुबह। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।